नाइन्थ इंग्लिश में बुक नेम मूवमेंट से आपको पढ़ाया जा रहा है। आज शुरू करेंगे लेसन सेवन, जिसका नाम है द लास्ट लीफ। इसके राइटर हैं ओ हेनरी। पतझड़ की ऋतु है, हवा बहुत जोर से चल रही है और भारी वर्षा हो रही है। एक लता की सभी पत्तियां गिर चुकी हैं, एक को छोड़कर अंतिम पत्ती क्यों नहीं गिर रही है। अब आपको रिड्यूस सिलेबस बता दें, आपके इंग्लिश में कम की एक पाठ्यक्रम में से आपको जो बुक नेम दिया है, पहला दिया है बिहाई। बिहाई बुक से आपको जो लेसन 5 है, ये नहीं करना है, लेसन 5, 7 और 11 उनकी नाम दिए हैं। दस ने कहना मेरा ये नहीं पढ़ना और ना आपको कॉपी में नोट करना है। पैकिंग एंड इफ आई बी। फिर नेक्स्ट जो है बुक इंग्लिश की ही मूवमेंट्स, इसके साथ इसमें जो लेसन 2 है द एडवेंचर ऑफ टोटो, ये भी नहीं लिखना है। ईश्वर एंड द स्टोरी टेलर, वैंडरिंग इन द रूम ऑफ इरास्मा, ए हाउस इज नॉट अ होम, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट एंड द बेगर, ये आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आता है तीसरा भाग पोएट्री का। पोएट्री में आपको पोयम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये भी नहीं, द लेक आई सी ऑफ हिस्ट्री, ये आपकी बुक में भी बिहाई बुक में मिलेगा आपको। पोयम का जो क्वेश्चन है ये इसमें मिलेगा, ठीक। तो ये आपको नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज जॉनसी इलनेस, व्हाट कैन क्योर हर, द मेडिसिन और द विंग लिस्ट टू लीव। जॉनसी की बीमारी कौन सी है, उसका इलाज कौन कर सकता है, औषधियां या जीने की इच्छा। जॉनसीज इलनेस इज परफ्यूमा बट रियली इज इट इज प्योरली फिजियोलॉजिकल। शी वुड डाई विद द फॉल ऑफ द लॉस्ट लीफ ऑन द आईवे क्रीपर। शी डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन लिविंग। शी हैज नेगेटिव थिंकिंग। इन हर केस इट इज विटनेस टू लीव कैन बी क्योर हर। जॉनसी को बीमारी है न्यूमोनिया, किंतु वास्तविकता में यह शुद्ध मानसिक बीमारी है। यह सोचती है कि लता की आखिरी पत्ती गिरते ही वह मर जाएगी। वह जीवन में रुचि नहीं लेती, वह नकारात्मक विचार रखती है। उसके मामले में यह केवल जीने की इच्छा ही जो उसका इलाज कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉनसी हैज इन कॉमन अमंग टीनएजर्स। क्या तुम सोचते हो कि वह हताशा जो जॉनसी में है टीनएजर्स 13 से 19 की उम्र में, कि क्या ये सामान्य है। आंसर, यस, वी थिंक दैट द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन विथ जॉनसी हैज द कॉमन अमंग ऑफ टीनएजर्स, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ लाइफ। यस, हाँ, हम सोचते हैं कि हताशा जो जॉनसी में है कि 13 से 19 उम्र के बालकों में सामान्य है, किंतु यह जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 3, बे हर मन हैज अ ड्रीम, व्हाट इज इट, डज इट कम टू ट्रू। आंसर, बहरम एक स्वप्न है, वह क्या है, क्या वह सच हुआ। आंसर, बहरम हैज अ ड्रीम, इट इज देयर आ वॉन्ट टू पेंट ए मास्टरपीस, इज an old man and a painter, but so far the has not been successful to paint this, but it Jonesy's illness, he paints this masterpiece in the leaf, so we can say he said fulfilled his desired। बहराम एक स्वप्न था कि वह अमर कलाकृति बनाएगा, परंतु वह अभी इस कार्य में सफल नहीं हुआ है। किंतु जॉनसी की बीमारी वह पत्ती के रूप में अमर कलाकृति को पेंट कर पाता है। हालांकि वह इस कार्य में अपना जीवन खो देता है, वह जॉनसी के जीवन को बचाने में सफल हो जाता है। उसे एक सकारात्मक विचार वाली बनाकर इसलिए हम कह सकते हैं कि वह अपनी इच्छा पूरी कर दी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज बेहरमन्स मास्टरपीस, व्हाट मेक्स यू से सो। बेहरम का मास्टरपीस, इसका मतलब होता श्रेष्ठ कलाकृति क्या है। स्यू को ऐसा करने को कौन मजबूर करता है। आंसर, Behrman's masterpiece, painted leaf on the wall, it has saved Jonesy's life।
बेहरमन की मास्टर कलाकृति दीवार पर पेंट की गई पत्ती है। उसने जोनसी का जीवन बचाया, यद्यपि इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उसको देखकर जोनसी में जीने की इच्छा जागृत होती है। वह अब ठीक हो गई है। वह सीयू को यह कहने पर मजबूर करना पड़ता है कि बेहरमन ने अंततः अपनी श्रेष्ठ कलाकृति उस पत्ती में पेंट की। यह मास्टरपीस का अर्थ है जिसने जोनसी को नवजीवन प्रदान किया। आई इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग रेस्पॉन्ड क्रीपर नर्वस डिप्रेस्ड जेनिटर और इलनेस। रिस्पॉन्ड का अर्थ होता है प्रतिक्रिया देना। नेक्स्ट CREPER यानी होता क्रीपर। क्रीपर का अर्थ होता लता या बेल। NERVOUS यानी होता है नर्वस। नर्वस का अर्थ होता है अशांत अनहैप्पी। नेक्स्ट है DEPRESSED डिप्रेस्ड यानी होता है बिकम सैड उदासी। JANITOR यानी होता है जेनिटर मीन्स किसी भवन का रखवाला। नेक्स्ट है ILNES मतलब होता है इलनेस। इलनेस यानी होता है बुखार। ठीक है, आपको आप लिखिए इसको कॉपी में और स्पेलिंग अच्छे से करिए, याद कीजिए, परीक्षा की तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।